मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी नशस्त में मैं डॉक्टर परवीन जहान आप सबका खैर मकदम करती हूँ। आज हम बीएससी साले दुवम के मौजू डीएनए का दोहराना यानी डीएनए रेप्लिकेशन का तफसील से जायज़ा लेंगे। हर जिंदे अजसाम की खसूसियत होती है उसकी पैदाइश और नशो नुमा के अमल से। एक खलवी अजसाम जैसे कि बैक्टीरिया में पैदाइश का अमल बाइनरी फिजन के ज़रिए होता है और कसीर खलवी अजसाम की तरक्की और मरम्मत में भी खलवी तकसीम का अमल आता है। इसी तरह एक खलवी बैक्टीरिया जैसे अजसाम हो या कसीर खलवी इंसान हो, खलियों की तकसीम ज़रूरी है और इस अमल के पहले डीएनए जो कि जीनियाती मादा है उसका दोहराना लाजमी हो जाता है, क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान डुप्लीकेट हुआ डीएनए दोनों दुख्तर सेल्स में तकसीम होता है। हम इस नशिस्त में डीएनए के दोहराने के अमल को तफसील से समझेंगे। वो तरीक़ेकार जिससे डीएनए का एक सालिमा हमशक्ल नखले बनाता है डीएनए का दोहराना या डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए जो कि जीनियाती मादा है जिसका रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन खलवी तकसीम यानी सेल डिवीजन की एक लाजमी खसूसियत है। दरअसल जीनियाती मालूमात को मुंतकिल करने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन अमल में आता है। खलवी दौर यानी सेल साइकिल से सिंथेसिस मरहले में डीएनए सेल्फ डुप्लीकेट का अमल अंजाम पाता है। ये अलाहदगी ऐसे तरीके से वाक़ होती है जो ज़िप को खोलने के मुमासिल होता है, जिसको हम अनज़िपिंग ऑफ डीएनए कहते हैं। अलाहिदा शुदा हर एक डीएनए के रेशे के मुकाबिल एक नया कॉम्प्लीमेंट्री रेशा बनता है। जैसे कि हम जानते हैं डीएनए के साख्त में एडिनाइन थाइमिन से और साइटोसिन ग्वानिन से जोड़ी बनाता है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं। इसी उसूल के तहत हम ये जान सकते हैं कि असल रेशे के मुकाबिल बनने वाले नए रेशे में असास की तरतीब क्या होगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक रेशे में न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस अगर साइटोसिन थाइमिन एडिनिन ग्वानिन हो तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के तरतीब को क्या आप बता सकते हैं? हाँ, ये बहुत आसान है, क्योंकि हमेशा एडिनाइन के मुकाबिल थाइमिन, साइटोसिन के मुकाबिल ग्वानिन और इसी तरह थाइमिन के मुकाबिल एडिनिन, ग्वानिन के ऑपोजिट साइटोसिन पाई जाती है। इस तरह एक डीएनए स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस की तरकीब मुखाबिल स्ट्रैंड की तरतीब को तय करती है। इब्तिदा में डीएनए रेप्लिकेशन के इस अमल को समझने के लिए तीन मुमकिना मॉडल्स को पेश किया गया। पहला है कंजर्वेटिव, जिसको हम खिदामती कहते हैं। दूसरा डिस्पर्सिव, जिसको इस्तेशार कहते हैं। और तीसरा नमूना है सेमी कंजर्वेटिव यानी नीम खिदामती। कंजर्वेटिव मॉडल ये बयान करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के बाद दो ऐसे सालिमे हासिल होते हैं जिसमें एक डबल हेलिक्स सालिमे के दोनों रेशे पुराने यानी पेरेंट स्ट्रैंड्स होते हैं और दूसरे सालिमे के दोनों भी स्ट्रैंड्स नए होते हैं। इसी तरह डिस्पर्सिव मॉडल के मुताबिक देखा जाए तो रेप्लिकेशन के बाद बनने वाले दोनों डीएनए डबल हेलिक्स सालिमों के रेशों में पुराने और नए डीएनए के टुकड़े पाए जाते हैं। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के रूप से डीएनए दोहराया जाने के बाद हासिल शुदा हर डीएनए सालिमात में एक पुराना और एक नया रेशा पाया जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन के बयान करदा इन तीनों तरीक़ों में से सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मॉडल को तजुर्बाती तौर पे साबित किया गया
और इसको आलमी तौर पे कबूलियत हासिल हुई। सेमी कंजर्वेटिव यानी नीम खिदामती तरीक़े से मुताल्लुक, वैटसन और क्रिक ने अपने पेश करदा डीएनए स्ट्रक्चर की बुनियाद पर अपना मफरूज़ा यानी हाइपोथेसिस पेश किया। डीएनए रेप्लिकेशन का अमल सेमी कंजर्वेटिव तरीक़े से अंजाम पाता है, जैसा कि मफरूज़ा ख़ुद कुछ साबित नहीं करता बल्कि उसके लिए सबूत पेश करना ज़रूरी होता है। कई साइंसदान जिसमें मैथ्यू मिजलसन और फ्रैंकलिन स्टाल भी शामिल हैं, जो इस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को 1958 में तजुर्बाती तौर पर साबित किया। इन्होंने अपने इस तजुर्बे में इकोली बैक्टीरिया और नाइट्रोजन के आइसोटोप N15 को इस्तेमाल किया, जिन्हें हेवी नाइट्रोजन कहा जाता है। इकोली बैक्टीरिया को इस्तेमाल करने की वजह ये थी कि इन्हें आसानी से ग्रो किया जा सकता है और इनके कई जनरेशंस को कम वक्फे में हासिल कर सकते हैं। नाइट्रोजन डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का एक जुज होता है, लिहाजा इसीलिए पुराने और नए तैयारशुदा डीएनए स्ट्रैंड्स के दरमियान फ़र्क की वजाहत के लिए नाइट्रोजन के आइसोटोप को इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इकोलाई को कई नस्लों तक नाइट्रोजन के आइसोटोप N15 मौजूद मीडिया में नमू किया गया। जब इन बैक्टीरिया के डीएनए को आइसोलेट करके सीजियम क्लोराइड के ग्रेडियंट में सेंट्रीफ्यूज किया गया, तब एक बैंड नज़र आया जो हेवी बैंड कहलाता है। डीएनए डबल हेलिक्स के दोनों भी स्ट्रैंड्स में जब N15 होता है तब हेवी बैंड नज़र आता है। इसी तरह इकोली को कई नस्लों तक आम नाइट्रोजन N14 वाले मीडिया में ग्रो किया गया और जब इन बैक्टीरिया के डीएनए को आइसोलेट करके सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट में सेंट्रीफ्यूज किया गया तो लाइट बैंड हासिल हुआ, जो कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में N14 को जाहिर करता है। यहाँ पर इस बात की वजाहत होती है कि N14 लाइट बैंड को और N15 हेवी बैंड को जाहिर करते हैं। ये मालूमात हमें ये बताती है कि जब डीएनए मॉलिक्यूल N14 और N15 का मिला जुला हो तो इन दोनों बैंड्स के दरमियान एक बैंड नज़र आएगा, जिसको हम हाइब्रिड बैंड कह सकते हैं। फिर इन साइंसदानों ने N15 के हामिल बैक्टीरिया को N14 वाले मीडिया में दो जनरेशन के लिए ग्रो किया। इस तजुर्बे के दौरान मीडिया से फर्स्ट जनरेशन टाइम के बाद एक सैंपल और दूसरे सैंपल सेकेंड जनरेशन के बाद हासिल करके उन डीएनए को सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट पे सेंट्रीफ्यूज किया गया। बतौर नतीजा ये देखा गया कि बैक्टीरिया में डीएनए के फर्स्ट रेप्लिकेशन के बाद एक हाइब्रिड बैंड पाया गया, जिसमें हेवी और लाइट बैंड का मिले जुले सालिमे होते हैं। ये नतीजा कंजर्वेटिव मॉडल को खारिज करता है और सेमी कंजर्वेटिव या डिस्पर्सिव मॉडल के तरफ इशारा करता है। और इसी तरह सेकेंड रेप्लिकेशन के बाद में हासिल करदा सैंपल एक हाइब्रिड और एक लाइट बैंड को जाहिर किया। अगर रेप्लिकेशन का अमल डिस्पर्सिव तरीके से है तो एक हाइब्रिड बैंड ही हासिल होना चाहिए, जबकि यहाँ एक हाइब्रिड और एक लाइट बैंड हासिल हुआ, जो इस बात का सबूत देता है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव तौर से होता है। मिजलसन और स्टाल के इस तजुर्बे से डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव यानी डीएनए डबल हेलिक्स का हर रेशा नए बनने वाले कॉम्प्लीमेंट्री रेशे के लिए टेम्पलेट का काम अंजाम देते हैं। इस तरह एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। हालांकि मिजलसन और स्टाल अपने तजुर्बे में इकोली बैक्टीरियम का इस्तेमाल किया था, हम अब ये जानते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड एक यूनिवर्सल मैकेनिज्म है जो कि हर जानदार में पाया जाता है। अब इस वक्त देखा गया तो आपके ट्रिलियंस ऑफ खलियों में से कई खलियों में सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का अमल जारी है। डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म एक पेचीदा और कई एकदम में चलने वाला अमल है।
जिसके दौरान कई प्रोटीन्स और एंजाइम्स हिस्सा लेते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए के दोहराने के अमल में कई एक्सानियत है और साथ ही साथ कुछ खुसूसी फ़र्क भी है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस लेसन से इस्तेफादा किया होगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप इस पते पर राब्ता कर सकते हैं। अगली नशिस्त में हम जनरल मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।